फैशन ट्रेलर को सब्सक्राइब करिए और जो पास में एक घंटी होती है उसको दबाइए। हमने ये चैनल आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया है, जिससे कि आप लोग आसानी के साथ में कटिंग टेलरिंग सीख सकें। हम अपने इस वीडियो में शर्ट की कटिंग लेकर के आए हैं, इंच टेप और ये फंटी है, इसकी मदद से ड्राफ्टिंग करेंगे। इंच टेप से एक लाइन यहाँ से इसे ऐसे सीधी खींच देंगे इस टाइप से। इस शर्ट की लेंथ कमर यहाँ से लगाएंगे, शर्ट की लेंथ है 29 इंच, 29 इंच लेंथ है, इसमें एक इंच एक्स्ट्रा में जोड़ देते हैं। इस मार्क को यहाँ से इस तरीके से सीधा कर देंगे, तीरा और चेस्ट की नाप से पहले जहाँ पर 2 इंच की बेल्ट पट्टी छोड़ देते हैं। ये 2 इंच की पट्टी आप लोग चाहें तो अलग से भी कट कर सकते हैं इस टाइप से। इस पट्टी में काज बन जाएंगे और बटन लग जाएंगे। अब नाप हम यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से। सबसे पहले तीरे का नाप लगाते हैं, तीरा है 18 इंच, 9 इंच पे मार्क लगा देंगे। चेस्ट है 36 इंच, यहाँ पर 8.5 इंच का मार्क लगा देंगे। इन दोनों मार्कों को सीधा कर देंगे। इस मार्क को भी मिला देंगे। चेस्ट 36 इंच है, 9 इंच देखिए ऐसे, देखिए इंच टेप को यहाँ से रखेंगे 9 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा में 11 इंच यहाँ से आ जाएगा, इतनी हमारी चेस्ट आएगी। कि चेस्ट का हिसाब होता है 36/4, डिवाइड किया तो हमारा 9 इंच आ गया। इसके हिसाब से 9 इंच आता है, प्लस इसमें 2 इंच की लूजिंग दे दी तो ये हमारा 11 इंच हो गया। यहाँ से इंच टेप रखेंगे 16.5 इंच पे निशान एक लगा देंगे, ये निशान हमारा पेट का निशान जो बोलते हैं ये होता है। जितना मार्क हमने यहाँ से लगाया था 11 इंच, यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क लगा देंगे। अगर फिटिंग ज़्यादा देना है तो 10 इंच पे मार्क लगा दीजिए यहाँ से। अब जो 11 इंच का मार्क यहाँ पे लगाया है वही 11 इंच का मार्क यहाँ पर भी लगा लीजिए इस तरह से। ऊपर में 2.5 इंच कार्नर छोड़ देते हैं, 2.5 इंच ऊपर 2.5 इंच नीचे है इस तरह से। यहाँ पर नीचे की तरफ 1.25 इंच आएंगे, यहाँ से 1.25 इंच यानी कि 1.5 इंच में से ज़्यादा 1.25 इंच आएंगे, इस लाइन से क्रॉस कर देंगे। अंदर की तरफ यहाँ से जाएंगे इतना, आप लोग देख लीजिएगा इतना ही अंदर के लिए जाना होता है बस। यहाँ से इसे करने के बाद इस टाइप से यहाँ से गुलाई दे देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि गुलाई थोड़ी सी अंदर की तरफ
होना चाहिए, इतनी मलाई दे दी है, इस टाइप से। अब इसके अब ये फंटी दबाती है, इस फंटी को पकड़ेंगे यहाँ से इतना, इस टाइप से। अब चाहे तो आप लोग इसकी नाप दे के यहाँ से वैसे भी कर सकते, लेकिन हम इसको हम थोड़ा सा अलग से करेंगे, तो इसलिए इसको यहाँ से इतने ले के इस टाइप से ये, क्योंकि इसे हम अलग कर बनाएंगे यहाँ पर थे इतनी गुलाई दे करके, तरीके से इसमें गुलाई दे दी जाती है, तो कोई फिक्स नहीं होती ना पर जितनी आप उठे उतनी गुलाई यहाँ से दे सकते हैं। इस टाइप से हम इसकी कटिंग ड्राफ्टिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करने के बाद में फिर इसकी कटिंग करेंगे। ये कटिंग करने के लिए तो पहले यहाँ से कट करेंगे इस टाइप से, फिर इसको यहाँ से अंदर की तरफ ज़्यादा कटिंग नोक से ही होती है, अलग कर देंगे पे। ये हमारी शर्टिंग ड्राफ्टिंग हो गई, यहाँ पर कुर्ता मान लेंगे इस तरह से, कुर्ता मान लिया इस टाइप से शर्टिंग कटिंग होती है। कुर्ता मारने के बाद में ये हमारे शर्ट में इस तरीके से इतने में मुड़के पेस्टिंग चिपक जाएगी, इस टाइप से आ जाएगा, थे यहाँ पेस्टिंग चिपकती है। बैक कटिंग करने के लिए फ्रंट हिस्सा हमने इसको ऊपर रख दिया है, यहाँ से हम पहले मेजरमेंट लेंगे, जितना भी हमारे नीचे डाउन होता है उतना ही यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं इस टाइप से। तीसरा हमने जो काटा था यहाँ से उस हिसाब से यहाँ पर लगा देते हैं 9.5 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा में रखते हैं। देखिए एक्स्ट्रा में रखने के बाद यहाँ से लाइन खींचे और इतना इतना इस टाइप से यहाँ से जो है गुलाई तरीके से दे दी जाती है, बाकी सब कटिंग ऐसे ही हो जाएगी। इसको यहाँ से कट करेंगे, इसका बैक और फ्रंट हिस्सा कट गया। इसी डालने के लिए इसमें यहाँ पर भी आधा इंची कम करते हैं, आसानी कटिंग करेंगे, इंची टेप को यहाँ से रख के पहले लेंथ का मार्क लगाएंगे
लेंथ है 25 इंची, 24 इंच पर कटिंग करेंगे। यहाँ 3.5 नीचे के लिए डाउन होंगे। इस टाइप से और यहाँ से निशान लगाएंगे 9 इंच पे। साढ़े 5 इंच का मार्क यहाँ से आएगा, इसको इससे यहाँ से रख के सी कटिंग कर देंगे। इसी पे तो हमारी अच्छी नहीं कटिंग। कपड़ा तीर रखा हुआ है, साढ़े 4 इंच यहाँ से ऊपर के लिए, इस टाइप से कर देंगे।